नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं आज खेड़ी पुल पुलिस थाने के सामने खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं। इनके साथ क्या हुआ है इनसे जानेंगे, बहुत परेशान है, क्या घटना हुई है वो बताएंगे आपको और जानेंगे इनसे क्या हुआ है। क्या नाम है? सपना। सपना जी क्या हुआ है? हम वही गए गाँव बर्फ लेने जा रहे थे। कहाँ रहते हो? गड्ढा कॉलोनी जी। हम वही गए बर्फ लेने जा रहे थे, उसने हमसे घेर के नंबर मांगा। हम रिशु नाम के लड़के ने नंबर देने से मना कर दिए। उसने हमारा रास्ता रोका, हम रास्ता रोको फिर भी हम बच बचा के भाग गए। इसने आगे से घेरा हमें, आगे से घेरने के बाद मारपीट शुरू कर दिया। इसने नंबर दे के जाएगी तू, नंबर ना देने पे इसने फिर भी मैंने चप्पल चला दिया। उसने क्या किया कि मेरा बाल पकड़ पकड़ के मेरा हाथ मोड़ दिया और मोड़ के थप्पड़ मारने लग गया। ईंट चलाया, जब मैं भागी तो आगे से घेर के हम पे ईंट चलाया। मेरी दो बहनें जो हम मेरे बचाव में आई थी, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और थप्पड़ पे थप्पड़ मेरी बहनों को मारता गया। जब वो मेरे को बचाने आ रही थी तब थप्पड़ पे थप्पड़। इसके एक और भाई है अर्जुन और इसकी बहन है जिसका नाम पूजा है, उसने वो भी आए और फिर मेरी बहन के ऊपर पेट पे चढ़ गई और चढ़ के इसको मारने लगे और उसका भाई, दोनों भाई मुझे मारने लगे। उन दोनों भाइयों ने मिलकर हमें बहुत मारा है, हमारा घर से निकला कठिन हो गया है। और आज कल मेरी मम्मी वो टिकट करवा के आज घर आई है, तब हम पुलिस स्टेशन। मम्मी थे नहीं? नहीं, पुलिस स्टेशन उस दिन हम उसी हालत में आए थे जिस हालत में हम पिटे हुए थे। आशा नाम की पुलिस है, यहाँ पे हमारी कोई बात नहीं सुनी। पुलिस ये पैसे खा के चुप रह गई, हमारा साथ नहीं दिया, उनका साथ दिया उसने। और अब बोली कि जाओ राजीनामा कर लो तब हमें जाने देंगे। हम राजीनामा नहीं कर रहे थे, हमसे जबरदस्ती राजीनामा करवाया गया। हम जा रहे थे, तुम नहीं जाओगी, बिना साइन किए नहीं जाओगी, ऐसे बोल रही थी हमसे। नहीं जाने दी, हमें मेडिकल भी नहीं करवाने दी क्योंकि तुम जब तक साइन नहीं करोगी तुम नहीं जाओगी। इसने कहा चलो जहां मारपीट हुआ है वहां दिखाओ। हम लोगों ने रिपोर्ट लिख दिया था, हमने जो भी हमारे साथ हुआ हमने इनको बताया, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद से जब जहां लड़ाई हुई थी वहां लेके गई, वो बोली कि कहां लड़ाई हुई है दिखाओ। मैंने सब जगह दिखा दिया कि यहां तक हमें चहेट चहेट के मारा गया, हमारे पैरों में चप्पल तक नहीं थे। हम उसी हालात में यहां आए थे, हम चलने की हालत में नहीं थे। मैं रोई, सब कुछ अपना बताया इसको, लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी। और उसके बाद इसने राजीनामा होने के बाद हॉस्पिटल गए, सरोदे रूपए हॉस्पिटल गए, बोली कि हम ऑनलाइन पे करवा देंगे, अपने भाई को बिल लेके भेज देना। मेरा भाई बिल लेकर आया 6,000 की, इसके माइंड में चोट लगी है, मेरे पीठ में चोट लगी है। उसने 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 बना के दिया पर्ची, इसने एक रुपए भी नहीं दिया। बोला कि हम नहीं जानते, हम बोले थे राजीनामा करवाने के लिए। पुलिस वाले बोले? हाँ, हम बोले थे राजीनामा करवाने के लिए। राजीनामा होने के बाद हमारी एक नहीं सुनी, हमारे पैसे, हम इसके इलाज के पैसे नहीं दिए उसने। तो राजीनामा कैसे कराया था, कोई लिखित में कराया था? खाली कागज पे इसने हमसे करवाया है। आपसे खाली कागज पे साइन करवाए? जी। खाली कागज पे तो नहीं करना चाहिए साइन? हमें से दबाव डाला गया था कि तुम साइन किए बिना तुम पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाओगी। इनका दो चार पुलिस हमसे पहरा दे रहे थे कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमारे सपोर्ट में जो भी आ रहा था उन्हें भगा दे रही थी, लेकिन उनके सपोर्ट में जो भी आ रहे थे इनके साथ बैठे हुए थे, रिशु के साथ। उनको प्यार से बैठाया गया था और हमें भगाया जा रहा था। कब की बात है ये? परसों की बात है, 12:30 बजे के करीब में हमें मारा गया है। जी। अच्छा, और ये जो रहते हैं ये कहाँ? मवई में रहते हैं। तो इससे पहले कभी कुछ कोई बात हुई? इसके पहले नहीं हुआ है, नहीं। हम एक बार इग्नोर करके गए, उसने दोबारा हमें घेरा, ठीक है, नंबर ना देने पे जाने मन और रसगुल्ले ऐसा कुछ बोल रहा था, तू नंबर दे के जाएगी, गंदे कमेंट कर रहा था। उसने अर्जुन, उसने हमको थप्पड़ ये देखो मारा है, काला पड़ गया है यहाँ पे पीठ पे, आगे से घेर के ईंट चला के मारा है। ये मैं जुड़ा बनाई थी, बाल खींच के ऐसे खींच खींच के मार रहा था। ये मेरा जो हाथ है ऐसे ऐठ दिया था, ये चोट लगी है हमें, ऐसे हाथ करके ऐठ दिया था। मेरी बहन बचाव में आ रही थी तो थप्पड़ से थप्पड़ मार के इसके नीचे गिरा दे रहा था। ये देख सकते हैं आप, ये पैरों में चोट है। क्या नाम है आपका? आप भी साथ में थे क्या जब ये बर्फ लेने गए थे, तब कौन कौन था? मैं और दीदी साथ में। अच्छा, दोनों साथ में थे? हाँ जी। तो वो दोनों को ही मारा फिर? हाँ जी। परसों की घटना है, परसों आप तभी आए थे? वैसे ही आए थे, खाली पैर, हमारा चप्पल नहीं था पैर में, हमारे बाल खुले हुए, हमारे चोट लगा हुआ, हम लगाड़ रहे थे, इसने हमारी बात नहीं सुनी। तो वहाँ और जो कोई लोग होंगे, जो दुकानदार होंगे या कोई, किसी ने नहीं बोला? बोले कि हम पिटते हुए देखे हैं लेकिन हम गवाही नहीं देंगे, हम तुम लोग तो चले जाओगे, तुम लोग किरदार हो, तुम लोग तो हम पिटते हुए तुम्हें देखे हैं लेकिन हम गवाही नहीं देंगे। ये बोली कि मैंने इससे ये बात बोली कि गवाही नहीं दे रहे हैं लोग, कह रहे नहीं देंगे ना, तू अभी पुलिस का थाना जा। तो वहाँ कोई वो भी तो होगा, कोई सीसीटीवी लगा होगा कहीं किसी की दुकान के, वहाँ ऐसा तो नहीं होता? ये हमें नहीं पता, पुलिस के
पुलिस को करना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए। हो गई थी ये मेरी बहन बेहोश हो गई थी, उसे एक मग्गा पानी डाला, ये नाक दाब के रखी, तब जाके बेहोश में आई। तो परसों की बात है। हाँ ये मेरी बहन है, इसको भी जाए मारे जब ये बचाने, इसका सूट फाड़ दिए पीछे से। तो आज फिर कैसे आए थे आप? परसों की बात है। मेरी मम्मी आई है ना, निकलने नहीं दे रहे, निकलने नहीं दे रहे थे। मैं अभी तक ट्रेन से सुबह उतरी हूँ। अच्छा आप थे नहीं? नहीं थे, गांव थे। तो जब जब सुने तो हम कल तत्काल गाड़ी पकड़ के मैं आज सुबह उतरी हूँ। आज सुबह से इन लोग का निकलने नहीं दे रहे बाहर, तब मैं वहाँ कल गांव गए थे, मैं बिहार थे। कौन नहीं निकलने दे रहा? ये वही वहाँ लड़के अभी मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो अब आप आए यहाँ? हाँ लेके आते, सुनी नहीं रही ऐसा मैडम? मैडम करे क्या, हम कुछ नहीं लिखे हैं, हम तुम्हारा कुछ दरखास्त नहीं दिया, हम कुछ भी तुम्हें नहीं करे हैं, हम जानते तो नहीं। तो दरखास्त लिखो ना, बोलो कम्प्लेंट। हाँ हम कहीं लिखो, करे कि हम नहीं लिखेंगे। पूछिए क्या नहीं लिख रहे हैं वो, जबकि सब कुछ पता है उसके बावजूद। करे कि हम दिखाएंगे नहीं, जो हमको जो लिखे हो वो दिखाओ, करे कि नहीं दिखाएंगे। आप समझ सकते हैं फरीदाबाद ये गड्ढा कॉलोनी है, नहर पार। तमीज बात बोल रही है, नहीं देखी कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं। हम कल लिखो तो हम सब तमीजी बोल रही है मेरे से, उल्टा आपको मेरे को बोल रही है। आपको दिखाई दे आप लोग कैसा है, क्या है? हमारा लड़की है, लड़की बाहर नहीं निकल सकती है, काम नहीं कर सकती है। गाँव गई थी मैं जाती थी सब्जी लेने, मेरा भाई छोटा है अभी 15-16 साल का है, मैं सब्जी लेने जाती थी, मैं बर्फ लेने जाती हूँ। 12:30 बजे की बात है, शाम ओम भी नहीं थी, 12:30 बजे के करीब में इसने ऐसा किया हमारे साथ। और क्या, और इतने तड़क में अब थप्पड़ थप्पड़ चलाया जा रहा था, कह रहा था जज जिसे बुलाना है बुला ले, कह रहा जज जिसे बुलाना है बुला ले, हम नहीं डरते, जज जिसे बुलाएगी बुला, कोई कुछ नहीं करेगा मेरा। इसी वजह से जो वहाँ लोग थे आसपास जिसने देखा वो भी नहीं बचाया, मैंने उनको बोला भी, मैं बोल रही हूँ कि हमें बचाओ, मैंने कहा जाओ चूड़िया पहन लो, तुम लोग बचाने नहीं है तो क्या तमाशा देख रहे हो, कोई नहीं बचाया हमें। बोल रहा था उसके बीच में, कौन बोल, कोई नहीं बचाया, सब ऐसे वहाँ कम से कम वहाँ पे 70-80 लोग थे लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। क्या नाम था लड़के का? रिशु। रिशु हाँ, बड़े भाई का अर्जुन नाम है, उसने भी अपने भाई के भाई को ले जाने के बजाय, अभी तो छोटा वाला भाई हम पे भारी पड़ रहा था, बहन इसके इतनी बाल पकड़ के मार रही थी, तो वो बीच बचाव में थोड़ा सा दांत काट दी, इसी के ऊपर चढ़ गई थी, इसके पेट पर चढ़ गई थी, सीटी एक्शन करके सर का बोला है, बेहोश हो गई थी वहीं पे, यहाँ पीठ में चोट लगी है, मेरे पीठ में ईंट से चोट मारा गया है, ईंट मारा इसके पीछे, आगे से घेर के मेरे से जहाँ हमारा घर है आगे से घेर के वहीं पे ईंट चला रहा है। इतना लोग हैं, मैं आज आई हूँ तो मेरी आज लड़की घर में से निकल रही है, घर में से निकलने नहीं दे रहे उन लोग। अच्छा अभी भी वही? हाँ वही बगल में है ना, तो अब इधर गड्ढा कॉलोनी हो गया, उधर राजी नहीं है, उसका घर हो गया, और घर में से मैं लड़की, मतलब वहाँ पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, कोई मुखिया सरपंच कोई सुनने करा दी ना। तो जिस समय ये घटना हुई थी तभी फोन कर देते पुलिस को 112 पे? हम 112 पे, इतना चलाक है 112 पे, हम तो सीधे पुलिस स्टेशन आए, हमारे पास फोन नहीं था उस वक्त, हम फोन लेके नहीं गए थे हम दोनों बहने, क्योंकि पास में ही था फोन, हम बर्फ लेके जल्दी, किसी को 103 डिग्री बुखार था मेरी बड़ी बहन को, पट्टी देने के लिए डॉक्टर ने कहा था, सुबह सुबह उठ के मैं पट्टी देने के लिए तुरंत गई थी मैं लेने के लिए बर्फ, बर्फ एक बार मैं इसको इग्नोर करी, बर्फ लेने के लिए उस सबका हमारे पास सबूत है, बुखार लगा था उसका भी सबूत है, यहाँ पे हमारी बहन का इलाज हो करने के लिए पैसे सब कुछ हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि बदतमीजी करने की क्या जरूरत होती है, अरे उसने हमें इतना मारा है, इतना मारा है कि हम बता नहीं सकते, नंबर ना देने, छू भी नहीं पा रही थी और वो हम पे मारा जा रहा था, नंबर नहीं दिया इसलिए, पकड़ के ऐठ के कह रहा है बता जिसको बताना है, जिसको बुलाना है बुला ले, कोई कुछ नहीं करेगा मेरा, हमने नंबर नहीं दिया इसलिए के नंबर नहीं दिया, नहीं दिया इसलिए, हमारे गलत कमेंट कर रहा था, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती कि कितना गलत बोल रहा था। रिशु नाम है। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद, मवई गांव के लड़का है कोई, रिशु नाम है जिसका, और ये गड्ढा कॉलोनी में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते होंगे, आसपास होगा, और ये इनके घर पर कोई नहीं था, माता जी जो है गांव गई हुई थी, और ये बर्फ लेने के लिए, बर्फ लेने जब गए बाहर रोड पे करीब 12 बजे, तो वो दूध का काम करता है जैसा कि बता रहे थे, और आया तो बदतमीजी कर रहा होगा, कोई छेड़छाड़ कर रहा होगा, नंबर मांग रहा होगा, नंबर ना देने पर बदतमीजी की, गाली गलौज किया, और जब इन्होंने जवाब में कुछ कहा होगा तो मारपीट की इनके साथ, और इतनी मारपीट की कि दोनों बहनों को मारा, तीसरी बहन थी उसको भी मारा, घर से निकलना दुश्वार कर दिया, जब माँ को पता लगा तो माँ गांव से दौड़ी दौड़ी आई यहाँ, और जब ये यहाँ खेड़ी पुल थाने में आते हैं तो पुलिसकर्मी है कोई, क्या नाम है, आशा, आशा मैडम, आशा जी हैं कोई, उनको जब ये बताती हैं सारी घटना तो इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, उल्टा इन्हें
डरा धमका कर और जैसा कि बता रही थी किसी कोरे कागज पर सिग्नेचर करा लिए जाते हैं इनके और कहते हैं राजीनामा के लिए कि हम आपको पैसे दिला देंगे जो आपका खर्चा होगा जो उसने मारा है चोटें लगी हैं और जब ये अपना इलाज लूज करा के वापस बिल देते हैं तो उसके लिए मना कर देते हैं। पैसे की बात छोड़ दीजिए, एक मिनट तो पैसे की बात मैं छोड़ भी दूँ। वो जो घसीट घसीट के हमें मारा है बेइज्जती कर करके वो कौन लूट लौटा के देगा, वो आराम से घूम रहा है। और बीजेपी सरकार में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी सुरक्षित नहीं है तो कैसे पढ़ाएं कैसे बचाएं। आज बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती, बहुत दुख की बात है। और जहां भी जो कोई भी उच्च अधिकारी अगर ये खबर देख रहे हो हमारी बात सुन रहे हो तो उनसे प्रार्थना है कि इनके साथ न्याय किया जाए, न्याय मिले और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ये जो प्रवासी लोग हैं यहाँ अपना जीवन यापन करने के लिए आए हैं, कमाने खाने के लिए आए हैं, उन्हें इस तरह से जो यहाँ दबंग लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं वो परेशान ना करें। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।